गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था वो डॉपलर ब्रॉडनिंग पे छोड़ा था एंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, तो हम उसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम जब स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। रोटेशनल ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, रमन स्पेक्ट्रा भी हमें ऑब्टेन होता है। तो मेनली हमारा जो फोकस है रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन पे है, जो हमारे सिलेबस में है रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस वेवलेंथ रेंज में लाई करते हैं। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो हमें किस वेवलेंथ रीजन में मिलता है, माइक्रोवेव रीजन में मिलता है, जहाँ पे जो वेवलेंथ है वो 10^0 से 10^2 तक वेरी करती है। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमें इस रेंज में मिलता है, दैट इज़ 5×10^2 टू 4×10^3 तक। ये वेव नंबर की टर्म्स में दे रखा है। वेवलेंथ के टर्म में देखें तो हम ये 100 से 10^3 तक की रेंज में मिलता है। फिर हमें उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो 10^3 टू 10^7 तक की रेंज में मिलता है, अगर हम वेवलेंथ के टर्म में देखें। और जो अगर वेव नंबर के टर्म में देखें तो ये इस रेंज में मिलता है, दैट इज़ विजिबल रीजन में मिलता है, ये विजिबल एंड यूवी में मिलता है। जो वाइब्रेशनल है वो आईआर रीजन में मिलता है, रोटेशनल माइक्रोवेव में मिलता है, वाइब्रेशनल आईआर में, इलेक्ट्रॉनिक विजिबल और यूवी में मिलता है, और रमन भी विजिबल और यूवी में मिलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रोटेशन टू वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रॉनिक टू रमन जा रहे हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, कि वेवलेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ ये स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। तो बस आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लेना, या तो वेव नंबर की टर्म में इसको ध्यान में रख लेना इसकी रेंज, ठीक है, या फिर वेवलेंथ की। बेस्ट ये रहेगा कि आप वेव नंबर की टर्म में इसकी रेंज ध्यान में रख लें। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमें माइक्रोवेव रीजन में मिलता है। उसके बाद आती है एनर्जी लेवल्स और सब लेवल्स की बात। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब ये देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो हमें हायर वेव नंबर में मिल रहा है। अब हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है, एंड न्यू किसके इक्वल होता है, सी ओवर लैम्डा, एंड 1/लैम्डा किसके इक्वल होता है, न्यू बार के इक्वल होता है। सो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ठीक है, तो ये होता है, एंड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। तो जैसे जैसे वेव नंबर इंक्रीज होगा एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सब लेवल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा, उसके लेवल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये हायर एनर्जी पे हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो रोटेशनल, जो वाइब्रेशनल है उसमें उससे कम होगा, और रोटेशनल सब लेवल्स में सबसे कम एनर्जी गैप होगा, जो आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो मैंने सब लेवल्स दिखाए हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ये क्या हैं, ये रोटेशनल सब लेवल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 दिखाया है, ये वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं। अब जो रोटेशनल सब लेवल्स हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे कम है, जो वाइब्रेशनल सब लेवल है उसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो रोटेशनल ट्रांजिशन कराने के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए मॉलिक्यूल को सबसे कम एनर्जी चाहिए, अगर उसको रोटेशनल ट्रांजिशन करानी है। अगर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करानी है मॉलिक्यूल की तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करानी है तो उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल सब लेवल्स एंड रोटेशनल सब लेवल्स, ये आप अच्छे से देख लेंगे ये डायग्राम। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और रमन में जस्ट आपको वेव नंबर ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि ये कौन से रीजन में लाई कर रहे हैं। जैसे कि जो रोटेशनल है वो माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रहा है, वाइब्रेशनल जो है वो आईआर रीजन में लाई कर रहा है, वाइब्रेशनल जो है वो आईआर रीजन में लाई कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक है वो विजिबल और यूवी रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल में हम क्या पढ़ रहे हैं,
इसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल सिलेक्शन रूल। ठीक है, जो रोटेशनल सिलेक्शन रूल होता है इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें जो मस्ट कंडीशन है कोई भी एक लेवल से दूसरे लेवल तक मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होने के लिए या ट्रांजिशन शो करने के लिए, अब ये तो है नहीं कि किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में रोटेशनल ट्रांजिशन होगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी किन्हीं दो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में ही रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल है। एनी टू एनर्जी लेवल्स के बीच में रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टू डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में ही रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, और नंबर टू कंडीशन क्या है, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ ट्रांजिटरी डायपोल मोमेंट, चाहे मोमेंट्री ही उसमें डायपोल मोमेंट हो लेकिन उसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, दैट इज म्यू, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायपोल मोमेंट मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे NO है, मॉलिक्यूल CO है, इनका डायपोल मोमेंट होता है तो इनमें रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, सो म्यू TR यानी ट्रांजिशन डायपोल मोमेंट मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर अ रोटेशन ट्रांजिशन टू हैपन। नेक्स्ट, डेल J इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, जो डेल J है वो प्लस माइनस वन के इक्वल होना चाहिए। प्लस वन का मतलब है दैट लीड्स टू एब्जॉर्प्शन एंड माइनस वन लीड्स टू इमिशन, कि जो डेल J है उसकी वैल्यू प्लस माइनस वन होनी चाहिए, वेयर प्लस साइन इंडिकेट्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड माइनस साइन इंडिकेट्स फॉर इमिशन। ठीक है, एंड सिमिलर फॉर वाइब्रेशनल। तो सिलेक्शन रूल में आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज म्यू TR यानी डायपोल मोमेंट ट्रांजिटरी डायपोल मोमेंट मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल J इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल J इज इक्वल टू प्लस वन लीड्स टू एब्जॉर्प्शन एंड माइनस वन लीड्स टू इमिशन। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल के बारे में आपको यही पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज एक डेरिवेशन करेंगे हम, दैट इज प्योर रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्योर रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। प्योर रोटेशनल का क्या मतलब है कि इसमें ओनली एंड ओनली रोटेशनल ट्रांजिशन हो रही है और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन हो रही है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं हो रही। ठीक है, तो वो कब होगा, जब हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे लाइट की वो उतनी ही प्रोवाइड करेंगे कि जो माइक्रोवेव रीजन में आए, यानी हमने अभी पढ़ा था कि किस वेव नंबर की रेंज में होनी चाहिए लाइट, 10^0 टू 10^2 सेंटीमीटर इन्वर्स में। ठीक है, तो अगर तुम, क्योंकि जो रोटेशनल ट्रांजिशन है वो सबसे लो एनर्जी पे पॉसिबल है, तो अगर हम माइक्रोवेव रीजन तक की एनर्जी की लाइट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन होगी और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं होगी, यानी कि मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड सिर्फ रोटेट करेगा और बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट नहीं करेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें हम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसको हम रिजिड रोटर मान रहे हैं। अब रिजिड रोटर क्या होता है, रिजिड रोटर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें जब रोटेशनल ट्रांजिशन होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, तो उसकी जो उसका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है एटम्स के बीच में, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डज नॉट चेंज, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डज नॉट चेंज, कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बॉन्ड लेंथ फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और वाइब्रेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे, तो हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं। इसमें जो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो एटम्स हैं, एक का मास तो स्मॉलर है और दूसरे का मास ज़्यादा है जिसको हमने M2 मान लिया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो क्या है, R0 है। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसके टुवर्ड्स होगी, मोस्टली हैवियर एटम्स की तरफ होती है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज
towards heavier atom. ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो हैवियर एटम के टूवर्ड्स लाई करती है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो आर वन होगा और यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो आर टू होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ जो आर नोट है. अब इसमें हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमने इसमें, टू प्रूफ दैट नंबर वन, तो हमें इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करना है. डायटोमिक मॉलिक्यूल का कितना होगा, म्यू आर नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू आर नॉट स्क्वायर. इसको हम क्या लिख देते हैं, म्यू, दैट इज रिड्यूस्ड मास. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजिशन. ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो अगर हम उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वजह से उसमें मोमेंट क्रिएट होगा, मोशन क्रिएट होगा. लेकिन जो बॉडी है अगर वो शुरू में रेस्ट पे थी तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो रेस्ट पे ही रहे. ठीक है, तो इनर्शिया हम इसी चीज़ को बोलते हैं. तो अगर लीनियर मोशन करा रहे हैं तो लीनियर मोशन के केस में हम उसको इनर्शिया बोल देते हैं. लेकिन वहीं अगर बॉडी को हम किसी एंगल से एक पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, एंड अब हमें पता है कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड मास. एक तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, नंबर टू हमें क्या प्रूफ करना है, दैट the value of allowed rotational energies are, that is h square by 8 pi square I into j plus 1. So this is the value of allowed rotational energy. ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अलाउड रोटेशनल एनर्जी. एक हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, एक हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एनर्जी. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंडीशन अप्लाई करेंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंडीशन क्या बोलती है, दैट अप्लाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंडीशन, वी हैव m1 r1 is equal to m2 r2 and we name it as equation 1. Also, moment of inertia of a diatomic molecule, moment of inertia of a diatomic molecule is given by, that is I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square and we name it as equation 2. नाउ एम वन आर वन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू आर टू. ठीक है, नाउ एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू इन टू आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू एम वन आर वन इन टू आर टू, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसमें से आर वन आर टू हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
m1 into m1 plus m2 into r1 into r2. This is moment of inertia, and we name it as equation 3. Now m1 r1 is equal to m2 r2 होता है, ये हमने पढ़ लिया है. वी नेम इट एज इक्वेशन 4. ठीक है. ऑल्सो r0 इज इक्वल टू r1 plus r2 करा है हमने. ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r1 इज इक्वल टू r0 minus r2. ठीक है, r1 की वैल्यू ये आ गई. अब इस r1 की वैल्यू को सिमिलरली हम यहाँ से r2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. r2 किसके इक्वल आ जाएगा, r0 minus r1. अब हम क्या करेंगे, r1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, r1 की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ r1 इन इक्वेशन 4. वी हैव r1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r0 minus r2 इज इक्वल टू m2 r2. इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 r0 minus m1 r2 इज इक्वल टू m2 r2. इसको इधर ले जाएंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, m2 r2 plus m1 r2 into r2. ठीक है, तो यहाँ से हम r2 की वैल्यू निकाल लेंगे. r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 r0 by m1 plus m2. तो ये r2 की वैल्यू होगी. सिमिलरली जब हम r1 की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ r1 इज इक्वल टू m2 r0 by m1 plus m2. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन इक्वेशन 2, वी हैव ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू रख देंगे. r1 और r2 की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाल ली, r0 की टर्म्स में निकाल ली. ठीक है, अब r1 और r2 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे. ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन इक्वेशन 2. वी हैव I इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है हमारे पास, m2 r2 square. सो r1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, दैट इज m1 r0 by m1 plus m2 का square plus m2. r2 की वैल्यू हमने सिमिलरली करके लिख दी थी. यहाँ से r1 की वैल्यू m2 के टर्म्स में आई है. r1 की वैल्यू m2 के टर्म में आई है और r2 की वैल्यू m1 की टर्म में आई है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 m2 square r0 square by m1 plus m2 का square plus m2 m1 square r0 square by m1 plus m2 का square. ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या चीज़ें आ रही है, m1 m2 कॉमन आ रहा है. m1 यहाँ पे पहले LCM ले लेंगे हम, LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 plus m2 का square, m1 m2 square r0 square plus m2 m1 square r0 square. ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, m1 m2 कॉमन आ रहा है बाय m1 plus m2 का square. m1 m2 कॉमन ले लेंगे और r0 square भी कॉमन आ रहा है, तो r0 square भी हमने बाहर रख दिया. तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, m2 plus m1. ठीक है, अब m1 प्लस m2 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगा, m1 m2 by m1 plus m2 into r0 square. नाउ दिस इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, तो हम इसको क्या लिख देंगे, म्यू r0 square. सो I इज इक्वल टू
mu r naught square. Now this is the moment of inertia of a diatomic molecule and we name it as equation 8. Now this is the moment of inertia of a diatomic molecule. तो हमने जो टू प्रूफ में लिखी थी दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक अलाउड रोटेशनल एनर्जीज, ठीक है. तो उसमें हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी है, अब हमने एनर्जीज क्या प्रूफ करना है. अब हमें इतना पता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात आती है तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे कोई स्मॉल पार्टिकल है उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटा है, ठीक है. तो मोमेंटम को हम इसमें, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी इज़ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे ये जो मोमेंटा है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इस पार्टिकल का, वो क्या डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by this molecule, quantity of motion possessed by this molecule is known as linear momentum. और इसको हम P से define करेंगे, ठीक है. तो P is equal to mv. वही अगर ये particle, अब क्वांटिटी ऑफ मोशन का ये मतलब नहीं है कि वो पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा, बस ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा है. वहीं अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर मूव ना करके किसी पॉइंट के अराउंड एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम एल से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ उसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं. एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे मास की जगह हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू वेलोसिटी की जगह, यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर मोमेंटा किसके इक्वल हो जाता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है. ऑल्सो नाउ एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 9 एंड क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड वैल्यू of angular momentum is given by quantized value of angular momentum kya hogi, that is quantized value of angular momentum, that is L is equal to square root J into J plus 1 into H by 2 pi and we name it as equation 10. Quantized ka kya matlab hota hai, different or डिस्क्रिट वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ठीक है. मतलब क्या है कि j की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होगी. तो इसका मतलब क्या है कि हर एनर्जी लेवल की जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है. ऑल्सो क्वांटाइज्ड वैल्यू of energy of a diatomic molecule is given by E is equal to half I omega square. Quantized value of energy of a diatomic molecule is equal to half I omega square. Multiplying by I and dividing by I, we have I omega square by 2I. Now I omega is equal to L and L square by 2I होगा, so energy is equal to L square by 2I, ठीक है. Put the value of L from equation 10 in equation 11. We have E is equal to, L की value put करेंगे यहाँ पे, तो L की value क्या है, J into J plus 1 into H by 2 pi पूरे का square. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, that is 1 by 2i j into j plus 1
इंटू एच स्केयर बाई फोर पाई स्केयर, ठीक है। तो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, एच स्केयर बाई एट पाई स्केयर आई इंटू जे प्लस वन। तो हमारे पास ये आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू, दैट इज़ एनर्जी इज इक्वल टू एच स्केयर बाई एट पाई स्केयर आई इंटू जे प्लस वन। नाउ दीज आर द अलाउड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल और ए रिजिड रोटर। अगर हम इसकी ई के अकॉर्डिंग, तो हमने जो सेकेंड चीज़ प्रूफ करनी थी हमने वो भी कर दी इसमें प्रूफ। अगर हम इसमें वैल्यू निकालें अलाउड रोटेशनल एनर्जीज की, अलाउड रोटेशनल एनर्जीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रोटेशनल क्वांटम नंबर जीरो होगा, वन होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो अगर हम इसमें जे की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। अगर हम इसमें जे की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन तो टू आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या आएगी, टू एच स्केयर बाय एट पाई स्केयर आई। अगर हम यहाँ पे वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू इंटू टू प्लस वन दैट इज़ थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स एच स्केयर बाय एट पाई स्केयर आई। अगर हम यहाँ पे वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन दैट इज़ थ्री इंटू फोर दैट इज़ ट्वेल्व एच स्केयर बाय एट स्केयर आई। अगर हम यहाँ पे फोर पुट करेंगे तो फोर इंटू फोर प्लस वन तो फोर इंटू फाइव, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ट्वेंटी एच स्केयर बाय एट पाई स्केयर आई। अगर यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू फाइव प्लस वन दैट इज़ 5 इंटू सिक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 30 एच स्केयर बाय एट पाई स्केयर आई। अगर यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे दैट इज़ 6 इंटू सिक्स प्लस वन दैट इज़ 6 इंटू सेवन, तो हमारे पास क्या आएगा, 42 एच स्केयर बाय एट पाई स्केयर आई। तो इस तरह से ये क्या है, इनके अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटर, ठीक है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जो मैंने यूट्यूब वाली दो वीडियोस के लिंक शेयर किए थे, आप उसी से कर लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें हमें पता है द अलाउड रोटेशनल एनर्जीज, अलाउड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय is given by allowed rotational energies of a diatomic molecule that is ER is equal to h square by 8 pi square I into j plus 1, ठीक है। these are the allowed rotational energies, ये हमारे पास इस तरह से आएंगे allowed rotational energies of a diatomic molecule, ठीक है। अगर हम ER की value h nu put करें that is h square by 8 pi square I into j plus वन, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यू इज इक्वल टू एच बाई एट पाई स्केयर आई इंटू जे प्लस वन। नाउ न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो वन बाय लैम्डा किसके इक्वल होता है, न्यू बार के। अब न्यू की वैल्यू क्या आ गई, सी न्यू बार, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, न्यू की पुट द वैल्यू ऑफ न्यू इन दिस वी हैव C new bar is equal to H by 8 pi square I into J plus 1, ठीक है।
तो न्यू बार अगर वेव नंबर के टर्म्स में निकालें तो वेव नंबर के टर्म्स में क्या आ गया, एच बाई एट पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे इंटू जे प्लस वन, तो न्यू बार की वैल्यू ये आ गई। नाउ वी नेम इट एज इक्वेशन टू। नाउ बी इज इक्वल टू एच बाई एट पाई स्क्वायर आई सी। नाउ बी इज नोन एज रोटेशनल कॉन्स्टेंट। बी को हम क्या बोलते हैं, बी इज नोन एज रोटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो न्यू बार इज इक्वल टू बी इंटू जे इंटू जे प्लस वन, तो न्यू बार की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड वी नेम इट एज इक्वेशन थ्री। नाउ पुट जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री। इन इक्वेशन थ्री वी हैव, हमारे पास म्यू बार की क्या वैल्यू आएगी, म्यू बार अगर हम जे जीरो वन टू थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू जीरो आएगा, म्यू बार दैट इज़ वेव नंबर। अगर वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन इंटू वन प्लस वन दैट इज़ टू भी आएगा, ठीक है। टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिक्स भी आएगा। अगर थ्री पुट करेंगे दैट इज ट्वेल्व भी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, जीरो टू भी सिक्स भी ट्वेल्व भी, ठीक है। तो ये जो वेव नंबर्स की वैल्यू हैं, दीज आर द वेव नंबर्स ऑफ, आपको ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है, दीज आर द वेव नंबर्स ऑफ अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जब कोई भी ट्रांजिशन होती है तो वो फ्रॉम लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल, फ्रॉम लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल टू हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल तक होती है, ठीक है। कोई भी ट्रांजिशन होगी वो लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल तक होती है। तो हम इसमें डेल ई आर निकालना चाहेंगे, अगर अगर हम इसमें डेल ई आर निकालना चाहेंगे दैट इज डेल ई आर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अपर रोटेशनल एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इज ई जे डैश माइनस ई जी। जे डैश इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर फॉर अपर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड जे इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर फॉर लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल। सो डेल ई आर इज इक्वल टू ई जे डैश की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू जे डैश प्लस वन माइनस एच स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू, इसके लिए क्या होगी, जे इंटू जे प्लस वन। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे, एच स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू जे डैश प्लस वन माइनस जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। ऑल्सो एज वी नो दैट डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। नाउ डेल जे इज इक्वल टू जे डैश माइनस जे होता है इज इक्वल टू प्लस वन, क्योंकि अगर यहाँ हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो जे डैश माइनस जे किसके इक्वल होगा, प्लस वन की, एंड जे डैश किसके इक्वल होगा, जे प्लस वन के। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जे डैश हेयर। सो डेल ई आर इज इक्वल टू जे डैश इज इक्वल टू जे प्लस वन, जे प्लस वन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे प्लस टू माइनस जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। सो डेल ई आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जे स्क्वायर प्लस टू जे प्लस जे
प्लस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जे स्क्वायर माइनस जे, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर गया, जे से जे गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू टू जे प्लस टू, सो एच स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू टू इंटू जे प्लस वन, तो डेल ई आर किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट डेल ई आर इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एच सी वन बाय लैम्डा क्या आ जाएगा, न्यू बार, सो डेल ई आर इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, पुट द वैल्यू ऑफ डेल ई आर हेयर, सो वी हैव एच सी न्यू बार इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन, तो h से h कैंसिल हो गया, सो न्यू बार इज इक्वल टू एच बाय फोर पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे प्लस वन, तो न्यू बार की वैल्यू ये आ गई, दैट इज h बाय फोर पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे प्लस वन, सो न्यू बार की वैल्यू क्या आ गई, h बाय फोर पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे प्लस वन। अब हमें पता है b की वैल्यू क्या होती है, h बाई एट पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है, अब 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू टू, ठीक है, तो अगर 2 को इधर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू h बाई फोर पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है, तो h बाई फोर पाई स्क्वायर आई सी की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2b इंटू जे प्लस वन। ठीक है, नाउ दिस इज द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन from lower rotational energy level to higher rotational energy level, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे j की वैल्यू रख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 and so on, we will get mu bar, जब हम 0 put करेंगे तो value क्या आएगी 2b, 1 put करेंगे तो value क्या आएगी 4b, 3 put करेंगे तो value क्या आएगी 6b, 4 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 8b, ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 2b आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 2b आ रहा है, सो इसको हम बोल देते हैं वेव नंबर सेपरेशन, इसको हम क्या बोल देंगे डेल म्यू बार, दैट इज वेव नंबर सेपरेशन। ठीक है, तो वेव नंबर सेपरेशन इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेव नंबर सेपरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेल म्यू बार दैट इज वेव नंबर सेपरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, मींस इसका क्या मतलब है, मींस ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस are equally spaced means all the spectral lines are equally spaced, ki sare ki sare spectral lines kya hongi, equally spaced hongi, that is wave number separation or frequency separation is constant, jaise agar hum yahan pe dekhe रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये एनर्जी लेवल है जिसका क्वांटम नंबर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ठीक है, अब जो
रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज़ न्यू बार इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन। ठीक है, तो जब यहाँ वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जब वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू। जब यहाँ वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स बी। ठीक है, और जब यहाँ वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ट्वेल्व बी। ठीक है, और जब फोर पुट करेंगे तो यहाँ पे ट्वेंटी बी होगा, फाइव पुट करेंगे तो थर्टी बी होगा, अगर सिक्स पुट करेंगे तो फोर्टी टू बी होगा, और अगर सेवन पुट करेंगे तो 56 भी होगा, और अगर 8 पुट करेंगे तो 72 भी होगा, 9 पुट करेंगे तो 90 भी होगा, अगर 10 पुट करेंगे तो 110 भी होगा। ठीक है, तो ये तो वेव नंबर थे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के। अब जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं वो मिलती है हमें इस तरह से कि जब लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होती है, और जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, डेल जे इज इक्वल टू प्लस वन या फिर माइनस वन, तभी ट्रांजिशन पॉसिबल है। हमने जो सिलेक्शन रूल पढ़ा था, डेल जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन होना चाहिए। तो हमें पता है हर स्पेक्ट्रल लाइन के वेव नंबर में जो डिफरेंस है वो कितना है, टू बी। ठीक है, तो टू बी के हिसाब से इसको लिख दो, यहाँ पे 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, इसके लिए 14 भी होगा, 16 भी होगा, 18 भी होगा, 20 भी होगा, और सब में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 2b। ठीक है, सब में डिफरेंस क्या होगा, 2b होगा। ऑल्सो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं also the spectral lines obtained by transition from lower rotational energy level to higher rotational energy level, उनकी जो intensity है वो first तो at first increase होती है with increase in J। ठीक है, reaches maximum and then decreases with decrease in value of J। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है ये हमें नेक्स्ट टॉपिक से पता चलेगा। तो ये इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी की पीक दिखा रखी है। तो जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इंक्रीज़ हो रही है, फिर फर्दर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो मैक्सिमम तक रीच करती है। उसके बाद जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। पहले इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम and then start decreasing as the value of J increases। ये ऐसा क्यों होता है ये आपको next topic में clear हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो topics के regarding कोई भी doubt हो तो आप मेरे से direct पूछ सकते हैं।